नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्वल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम का टॉप 20 बुलेटिन। जापान के पीएम शिंजो आबे को भाषण के दौरान मारी गई गोली, दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। झारखंड के सीएम सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में 18 जगह हुई छापेमारी। बोरिस जॉनसन ने दिया यूके के पीएम पद से इस्तीफा, नए प्रधानमंत्री चुने जाने तक संभालेंगे पद। उद्धव ठाकरे को लगा एक और बड़ा झटका, अब नवी मुंबई में शिवसेना के 32 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को दिया समर्थन। द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी लखनऊ, योगी के आवास पर प्रस्तावित बैठक में समर्थन देने की करेंगी अपील। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की तबीयत पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा सेहत में हो रहा है सुधार। असम में कुदरत का कहर जारी, बाढ़ से अब तक 186 लोगों की हुई मौत। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 ही तीव्रता। दिल्ली में यमुना में डूबे 4 युवक, अब तक 3 के शव हुए बरामद। उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा, उफनती नदी में गिरी कार, 9 शव बरामद। विवादित ट्वीट वायरल होने के बाद अरुण यादव पर एक्शन, हरियाणा आईटी सेल चीफ के पद से हटाया गया। सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा ट्विटर, 1400 अकाउंट और 175 ट्वीट हटाने के आदेश को बताया गलत। आपने उपराज्यपाल बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा दिल्ली वालों को चोर कहने के लिए मांगे माफी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज की निलंबन संबंधी याचिका। ईडी के कस्ते शिकंजे से बौखलाए आजम खान, कहा ईडी या सीडी जो भी बुलाएगा जाएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। गुरप्रीत कौर संग हुई भगवंत मान की शादी, अरविंद केजरीवाल ने निभाई पिता की रस्में। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में मिले 18,815 नए मामले, 38 मरीजों की हुई मौत। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी जारी, सेंसेक्स 350 चढ़ा तो निफ्टी पहुंचा 16,250 के पार। पहले T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 50 रनों से हराया, अर्धशतकीय पारी और 4 विकेट लेने पर हार्दिक पांड्या बने मैन ऑफ द मैच। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा समय के साथ बात करना और मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।